सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में जो पशुपालक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम प्रयास करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की जो मुर्रा हिफर या अच्छी जो मिल्क लाइन की भैंसें हम कैमरे के सामने लेके आए, जो अपना कीमती टाइम निकाल के, आज किसी के पास टाइम नहीं है फिर भी वीडियोज को इतना पसंद किया जा रहा है काफी कम टाइम में, सबसे पसंदीदा चैनल बन चुका है यादव डेयरी फार्म। आज हम आपको एक साधारण किसान के यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो मिल्क लाइन की भैंस है उसके जो वीडियो लेके आए हैं, उससे पहले जो ओनर हैं उनसे मिलवाना चाहेंगे, बाद में इस भैंस के बारे में डिटेल से पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अपना शुभ नाम क्या है जी? राकेश। गांव? गांव सुधराणा। तहसील कौन सी लगती है? तहसील कोसली। जिला रेवाड़ी होगा? जिला रेवाड़ी। तो आज अपने पास जो कैमरे के सामने भैंस देख पा रहे हैं कौन से ब्यांत की जी? भाई साहब ये तीसरे ब्यांत की। तीसरे ब्यांत की। पिछली बार अपने पास थी या खरीदी हुई है? ना भाई साहब खरीदी है। खरीदी है। कितना टाइम हो गया आपको लेके आए अपने घर पे? 10 से 15 दिन हो गए। और बच्चा दिए कितना टाइम हो चुका है इसको? 25 दिन। साथ में काफ? फीमेल काफ। फीमेल काफ है। और मौके पे आज दूध कितना तैयार है भाई साहब? आज कहने को तो 19 पक्का है, बाकी 20 भी है। अच्छा, 19 किलो आप दूध बता रहे हो, बाकी 20 आज तैयार है, 1 किलो दूध कम बता रहे हो? जी 1 किलो कम बता रहे हैं। जी जी। साथ में देखिए दिखाना चाहूंगा फीमेल काफ, क्योंकि कोई भी पशुपालक आज जो पेमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, आज मुर्रा जो भैंसे हैं मैं कहूंगा सबसे ज्यादा लंबे टाइम दूध देने वाली और अच्छे जो पशु हैं उनकी, अच्छी जो मिल्क लाइन के पशु हैं उनकी तलाश पशुपालकों की इतनी बढ़ गई है कि अदर स्टेट जो बायर्स हैं वो रेगुलर हरियाणा में आ रहे हैं। एक बार इसको खोल लो जी। तीसरे ब्यांत की फुल साइज की भैंस, इस साइज की भैंसें शायद रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के पशु मीडियम हाइट के होते हैं और लंबे टाइम दूध देने वाले। सींग है देखिए थोड़ा खुला लेकिन शरीर पे जमता हुआ, और आप आंकलन कर सकते हैं फुल साइज की ये भैंस, क्योंकि ले आओ जी वापस। हमारा भी प्रयास है कि अच्छा पशु कैमरे के सामने लेके आए, बहुत ही बड़ा और जो ऑर्डर का साइज है, और इतने बड़े ऑर्डर में मैं काफ़ी बार एक चीज़ यूज़ करता हूँ कि आप आंकलन नहीं कर सकते कि कितना दूध पशु निकाल देगा, क्योंकि पैर के बीच का टाइट ऑर्डर है और मैं कहूँगा कि एक बुल के समान इसका भारी भरकम शरीर। ये देखिए नीचे से करीब से दिखाना चाहेंगे, थोड़ा आगे की तरफ भी ऑर्डर मैं कहूँगा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो थन है काफ़ी ज़्यादा स्पेस और थनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। सींग इतने बड़े साइज के पशु को देखते हुए सींग भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो साथ में फीमेल काफ, इस तरह की जो भैंसें हैं ब्रीडिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट रहती हैं। तो अभी आप मानिए जब ये 35 से 40 दिन की ब्याई हुई होगी उस टाइम पे इससे किस दूध की उम्मीद आप कर रहे हो? भाई साहब 22-23 किलो दूध की उम्मीद है। अच्छा, आप अभी 1 से 2 से 3 किलो दूध की उम्मीद इससे कर रहे हो? अभी इस दूध पे कितना दाना ले रही है भैंस? भाई साहब गेहूं बाजरे का दलिया। हाँ हाँ। और भिंडोड़े की। अंदाजा कितना किलो खाती होगी ये डेली? ये डेली खाती होगी 7 से 8 किलो। 7 से 8 किलो। और चुवाई वगैरह? चुवाई फोली चुवाई मुठिया बिल्कुल साफ सुथरी। तो एक बार अपना संपर्क नंबर बताए। 96। हाँ जी। 86। 53-94। तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट सुधराणा गांव से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पशुधन, थोड़ी टेल ज़्यादा वाइट है लेकिन जो साइज है भैंस का मैं फिर से कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन साइज, क्योंकि आज गर्मी के टाइम में आज जो मिलावटी दूध का दौर है वो बढ़ रहा है, और इस टाइम में इतने दूध की भैंसें HF गाय भी नहीं निकालती इतना दूध, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं होती। तो पशुपालक पेमेंट इन्वेस्ट करने को तैयार हैं लेकिन अच्छा पशु होना चाहिए, उसी प्रयास में हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। शौकीनी तौर पर पशु रखते हैं और भी पशु इनके पास हैं, साथ में एक बार दिखाना चाहेंगे अच्छी अच्छी क्वालिटी के पशु अपने घर पे तैयार कर रहे हैं। ये एक तोकड़ भैंस और ये दो हीफर आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, क्योंकि एक जो साधारण किसान है उससे बड़ा मैं कोई ब्रीडर है किसी को मानता नहीं। तो आज की वीडियो में जो भैंस देख पा रहे हैं बिक्री के लिए उपलब्ध है, और इनका कहना है कि 22-23 किलो दूध की उम्मीद
हम इससे कर रहे हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव की भैंस है। जब से आए हैं कैमरे के सामने भी भैंस ने किसी तरह की भागा दौड़ी नहीं, बिल्कुल पतली चमड़ी और पुट्ठे का साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। तो कोई भी भाई इस भैंस के बारे में अधिक डिटेल से जानना चाहता है, इनका जो मोबाइल नंबर है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, किसी भी टाइम आप इनके पास फ़ोन करके इसके बारे में अदर डिटेल ले सकते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।